हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 का दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मतलब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम विस्तार से इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, यदि आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली डेली एक एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है, तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यह कहां से आई है? तो सूक्ष्म जीव, इसके लिए क्रियाकलाप है जो आपको करना है। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण लीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं, जो हम आगे देखेंगे। विषाणु, जिसको वायरस भी बोलते हैं, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे तथा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं, जो हम आगे देखेंगे। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा ही होते हैं। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी विषाणु ही है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा ही होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग TB जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो स्पाइरल जीवाणु है, इधर वो छड़नुमा जीवाणु, नीचे क्लेमाइडोनोमास और स्पाइरोगायरा, ये शैवाल हैं। इधर वो प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम है। नीचे राइजोपस या ब्रेड मोल्ड है, जो सांप की छतरी बोलते हैं जिसको। पेनिसिलियम नोटेटम, जिसका नाम है, और एस्परजिलस, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है। तो इतने प्रकार के प्रोटोजोआ हैं, ये कवक हैं। तो मित्रवत सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, जो हमें नुकसान नहीं फायदा पहुंचाते हैं, तो वो कैसे होते हैं देखिए। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है, तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब देखो, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक के हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, तथा अथवा बहुकोशिक, जैसे कि कई शैवाल
एवं कवक यह बर्फीली शीत से उष्ण या गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी प्रकार के जीव जंतु के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। तो अभी हमने मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दही एवं ब्रेड का बनाना। तो ये कैसे बनते हैं? आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, जिसको सूजी बोलते हैं, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायता करते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। क्रियाकलाप है, एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा तथा मैदा लेकर इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा में एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद देखते हैं क्या गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप, 500 ml मतलब आधा लीटर का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। उसमें 2-3 चम्मच चीनी मिलाइए। इसमें 1/2 चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर रखकर ढक दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। यह गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की एक प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन दस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आप
जब इसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। वैक्सीन जो टीका बोलते हैं, टीका शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को अस्वस्थ या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार के टीका वैक्सीन कार्य टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचे में पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। तो दो गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला एक ही पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अवशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों और खिलौनों टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप एवं कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में भी देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं।
रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़ों की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए इनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोगों को फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखी जाए। कुछ कीट एवं जंतु भी ऐसे होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के शरीर का वाहक वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को रोकने से फैलने से रोका जा सके। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग, तो इनको याद कर लें अच्छी तरह से, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है और इसका संचरण वायु द्वारा होता है। बचाव के सामान्य उपाय, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण। खसरा जिसको मेलेसिस बोलते हैं, मीसल्स, ये वायरस के द्वारा होता है और ये वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स भी वायरस द्वारा होता है और यह सीधे संपर्क में वायु के द्वारा फैलता है। और पोलियो ये वायरस द्वारा होता है, ये वायु और जल के द्वारा फैलता है। हैजा और टाइफाइड जीवाणु द्वारा होते हैं और ये भोजन या जल के द्वारा फैलते हैं। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करना। हेपेटाइटिस ए वायरस जल के द्वारा फैलता है, ये उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है मलेरिया, और ये मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्रित न होने दें। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने एवं रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। जंतुओं के जीवाणु। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं जंतुओं में ही रोग के कारक नहीं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुरे मुंहपका रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बीमारी जीवाणु को खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं।
रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके हम इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, नींबू कैंकर रोग होता है जीवाणु द्वारा और ये वायु द्वारा फैलता है। गेहूं की रस्ट ये कवक के द्वारा होता है और ये वायु और एवं बीज द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत ये वायरस के द्वारा होता है, ये कीट पतंगों के द्वारा फैलता है। खाद्य विषाक्तन फूड पॉइजनिंग क्या होती है? बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसने वमन या उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी इसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के बारे में के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं सकी। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानते कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का प्रयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फूल, मछली एवं मांस का परिरक्षण इस विधि से द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 एवं 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेंग्यूम पौधों या दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं।
स्मरण कीजिए, राइजोबियम लैंगिक पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, परिणरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन चक्र। तो होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन होती है उनको कोई जीव जंतु खा लेता है, तो वो शरीर में जाकर वहाँ से नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है और वो वायुमंडल में चली जाती है। और अगर मान लो कोई जीव जंतु पत्तों को नहीं खाता है तो सड़कर जमीन के अंदर चली जाती है और नीचे जाकर वहाँ से फिर नाइट्रोजन फिर से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। ठीक है, आपने इस अध्याय में जो सीखा है वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका हम शॉर्ट में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों एवं मरुस्थल में दलदल हर तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप एवं जंतुओं में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लैंगिक पौधों की जड़ों एवं तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो बहुत सीधे सीधे हैं। देखो, इन प्रश्नों की सहायता से हम समझेंगे कि इस पूरे अध्याय में क्या था। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरा, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ग, एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। घ, हैजा विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है, जो एक वायरस होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरी नाम होता है वायरस का, तो वायरस के द्वारा होता है। सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो यीस्ट का उपयोग निम्न में उत्पादन के लिए होता है, एल्कोहल के लिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका। ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो इसमें सेकंड सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ग,
मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, पहला ऑप्शन सही है। घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। च, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है, किण्वन, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, थर्ड ऑप्शन सही है। आगे देखो तीसरा प्रश्न है, कॉलम एक के जीवों का मिलान कीजिए कॉलम सेकंड में दिए गए और उनके कार्य। देखो जीवाणु, जीवाणु काम क्या है, दही का जमने का काम है ना, तो सेकंड ऑप्शन सही है। राइजोबियम पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है जो दही जमाने का काम करता है। यीस्ट, यीस्ट पाया जाता है ब्रेड की पैकिंग में। एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो हैजा का कारक होता है। एक विषाणु, विषाणु होता है मलेरिया का कारक, ठीक है, विषाणु वायरस एड्स है, एड्स का कारक है छह में जो छठा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप देखकर इस तरह से मिलाइए। चौथा प्रश्न, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो देखो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, कवक, फफूंद, जीवाणु और विषाणु। वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, राइजोबियम। सातवां, हमारे जीवों ने उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखिए, तो ये आपको उदाहरण सहित लिखना है कि लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने का काम करता है, राइजोबियम जमीन के अंदर जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होते हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करते हैं, तीसरा यीस्ट जो खमीर उठाने का काम करते हैं या ब्रेड वगैरह बनाने के काम में आता है, और इसी प्रकार से कुछ दवाइयों में जैसे पेनिसिलिन ओटेटम नाम का दवाई बनाने में काम में आता है, और भी इस प्रकार से बहुत सारे हैं, आप एक एक ढूंढ कर लिखिए, ठीक है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त विवरण लीजिए, लिखिए, ये आपको स्वयं करना है कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले जो रोग हैं या जीव जंतु है जिनमें क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में लिखना है। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सावधानी बरतनी चाहिए, ये प्रश्न आपको इस तरह का बिल्कुल इसका उत्तर यहाँ को मिल जाएगा आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय था, कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आया तो आपको तुरंत पता लग जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले अध्याय में, धन्यवाद।